नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य के राशन कार्ड धारक परिवारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों के खाते में 1,000 रुपये भेज दी गई है। यह लाभ 87 लाख लोगों को मिल चुका है और शेष अभी जितने भी लोग बाकी हैं उनको भी मिलने वाला है। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी कहा कि जितने पेंशनधारी और बिहार से बाहर फंसे लोग तथा जितने पुराने आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी का शीघ्र निष्पादन कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारी चैनल दी पॉइंट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं 87 लाख कार्डधारियों के खाते में गई राशि। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख लीजिए, राज्य के 87 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों के खाते में 1,000 रुपये हस्तांतरित कर दिए गए हैं। जो भी 87 लाख राशन कार्ड धारक खाते हैं उनमें 1,000 रुपये राशि जमा करा दिया गया। शीघ्र ही यह राशि भेज दी जाएगी जो कि 21 लाख लोगों का बाकी है। 21 लाख लोग यहां पर बाकी हैं, उनको भी शीघ्र यह राशि भेज दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 87 लाख लोगों को मिल चुका है राशन कार्ड परिवारों को और 21 लाख जो अभी अन्य कार्डधारी परिवार हैं उनके खाते में भी यह राशि भेज दी जाएगी, इसका घोषणा किया जा रहा है। इसका मतलब शेष अभी 21 लाख कार्डधारी ही बचे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने आदमियों को यह पैसा मिल चुका है, क्योंकि 87 लाख गवर्नमेंट बोल रही है कि मिला है और शेष अभी तक 21 लाख ही बचा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी है। इसके बाद है, लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया था कि सभी राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नए राशन कार्ड निर्गत करने के लिए प्राप्त लंबित आवेदनों का शीघ्र ही निष्पादन करा लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स, और यहाँ पर घोषणा की गई है, जिन लोगों का राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था उन लोगों का राशन कार्ड का भी जो निष्पादन होगा उनको शीघ्र करके निर्गत कर दिया जाएगा, या जो भी हो उनको शीघ्र निष्पादन कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं, 80 लाख पेंशनधारियों के खाते में 3-3 महीने की अग्रिम पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, जो कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के लिए यह राशि 80 लाख लोगों को मिल चुका है। वहीं राज्य के बाहर फंसे लोगों को, जो 6.5 लाख लोग फंसे हुए थे, उनके खाते में 1,000 की राशि भेज दी गई है। और भी बहुत लोग अभी भी बाकी है, जो जैसा कि ऐप के प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा हमें फ्रेंड्सों के द्वारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चलता है। बहुत सारे दोस्त अभी भी बाकी है, बहुत सारे लोग अभी भी इससे बाकी है इस योजना का लाभ लेने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, विभिन्न शहरों में राहत केंद्र के माध्यम से बिहार फाउंडेशन द्वारा 6 लाख से अधिक बिहार के लोगों को भोजन व राशन पैकेट मुहैया कराए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जानकारियाँ जो दी गई है, बाहर फंसे 6.5 लाख श्रमिकों को भी दिए गए 1,000, और उसके साथ है 80 लाख पेंशनधारियों के खाते में 3-3 माह की अग्रिम पेंशन गई, जो अगली पेंशन सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि आगे वाला 3 महीना का पेंशन दिया जाएगा, वह आ भी चुका है और बहुत लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, क्वारंटाइन कैंपों से घर जाने लगे हैं लोग। मतलब जहां पर कैंप सरकार की द्वारा बनाया गया था लोगों को रहने के लिए, वहां से लोग अब घर जा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, स्कूलों में बने क्वारंटाइन कैंपों में रह रहे लोगों को 14 दिन पूरा कर अपने घरों को जाने लगे हैं। 14 दिन तक किसी में कोरोना के लक्षण नहीं मिले ऐसे लोगों को स्क्रीन के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। यही वजह है कि राज्य के स्कूलों में बने कैंपों की संख्या भी निरंतर घट रही है। 5 दिनों पहले तक इस कैंप की संख्या राज्यभर में टोटल 3,200 थी और जो मंगलवार को घटकर 2,356 रह गई है। आगे और भी लोगों को घर भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह था आज तक का सबसे बड़ा अपडेट, जो 87 लाख राशन कार्डधारियों के खाते में भेजी गई राशि है उसके बारे में, और जो शेष अभी 21 लाख अन्य राशन कार्डधारी बचे हैं उनके लिए भी, और साथ साथ जो लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है उसके लिए भी, और साथ साथ यहाँ पर आपने देखा 6 लाख श्रमिक तथा 80 लाख पेंशनधारी के खाते में भी अग्रिम पेंशन भेज दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो से, लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दे, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।